बिहार कैबिनेट का फैसला, संवेदनशील मुकदमों के गवाह और उसके परिजनों को सुरक्षा देगी सरकार। भाजपा कार्यकर्ताओं की जन जागरण संगोष्ठी का आयोजन। नागरिकता संशोधन अधिनियम और पंचायत चुनाव को लेकर हो रही चर्चा। गोविंदगढ़ के श्याम वाटिका में चल रहा आयोजन। डीजीपी भूपेंद्र यादव पहुंचे मनोहरपुर थाने, पुलिस थाने का किया निरीक्षण। पुलिसकर्मियों से रूबरू होकर जानी समस्याएं। अपराधों और दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम की भी शुरुआत की। देवली बनास नदी में मछली पकड़ने के विवाद को लेकर फिर हुई फायरिंग। मछली ठेकेदार के चौकीदारों ने ग्रामीणों पर की फायरिंग। बनास नदी के किनारे स्थित बोएड़ा गणेश मंदिर की है यह वारदात। बीती रात हुई फायरिंग में पथराव की घटना। देवली थाना पुलिस व FSL टीम पहुंची मौके पर। झालावाड़ में शराबी पति ने पत्नी को तलवार से हमला कर किया घायल। हमले में पत्नी के सिर पर आई गंभीर चोटें। पुलिस अधीक्षक को दिए परिवाद के आधार पर हुआ मुकदमा दर्ज। पिड़ावा थाने क्षेत्र के हरनावदा खेड़ा का यह मामला। अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल 2020 में ऊंट नृत्य का होने जा रहा है आगाज। आज के कार्यक्रमों का सबसे आकर्षक कार्यक्रम ऊंट के हैरत अंगेज करतब ने दर्शकों को दांतों तले अंगुली दबाने पर करेंगे मजबूर। झुंझुनू में ससुर ने बहू की कुल्हाड़ी से हत्या। पुलिस ने आरोपी ससुर को किया राउंडअप। झगड़ों से परेशान बेटा पत्नी के साथ रहता था ससुराल में। दो दिन पहले ही पत्नी के साथ अपने गांव वापस आया था बेटा। बगड़ थाना इलाके के कोठाड़ी गांव की है यह वारदात। मौसम विभाग का आज अलर्ट जारी। कई जिलों में मौसम विभाग ने किया कोहरे का अलर्ट। जयपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा जिले में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सटासट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।